थोड़ा दूर चलो, मैं भी तो सीढ़ी। अरे नमन मंकी बहुत बेटा, ये देखो आदमी। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ बंद कर दूँ? उसमें देखो मंकी। मैं तो देख रहा हूँ, सबसे पहले मेरी नजर गई है। छोटे वाले पे मेरी नजर गई। ए बोला बगल में देखो। कहाँ पे? इस साइड में। हाँ सही में बहुत सारे बंदर हैं। आजा आजा बंदर आजा। आप खाओ अब अड्डी अड्डी खा। ये ओ देखो कैसे हुआ ना नमन। नीचे चल चलो। चले नीचे? हाँ अभी आ रहे, सभी लोग आ रहे हैं ना। अभी सभी लोग आ रहे हैं, उनके साथ आना। अभी डैडी भी आ रहे हैं। अरे यार उधर वाले बंदर आ रहे, मैं तो जा रहा हूँ। उधर वाले ना आ जाए क्योंकि उधर से ना बहुत है। शुरू करो मम्मा। फिफ्टी तक कर दूंगा। देंगे यार रशी को देंगे तो। देखो वैसे ही लोग मुझे बोलते हैं योगा करो, क्या योगा करें, शरीर तो कुछ है नहीं, क्या योगा करें बता। छुट्टी भी खुल गई, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। थक गए बंद करते हैं। सारे यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ गए, देखो पीछे दिख रहा है वो, देखो छोटा सा बैठा है ना, छोटा सा वो वाला दिख रहा है बैठा है। तो काफी ज्यादा एंजॉय किया हम लोग छत पे, और आप लोगों को रियल वॉइस के साथ अच्छा भी लगता है तो आज मैंने शेयर कर दिया है। और गाइस बच्चे उसमें कुछ बोलते रहते हैं ना, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अब बच्चे थोड़ी ना चुप रह सकते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और मेरा बाबू तो बिल्कुल नहीं चुप रहता, आप सभी को पता है। और यहाँ मैं बैठ गई थी, ये लोग अपना खेल रहे थे, क्योंकि मैंने आप लोगों ने देखा मैंने काफी इंजॉय किया था, तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ी सी थकान भी हो गई थी। और इसके बाद जो है मैं बैठ गई थी और ये लोग खेल रहे थे, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा थे तो इसलिए मैं बैठी थी और सारे बच्चे बात कर रहे थे। तो वही चैनल को लेके सभी को पता था ना कि चैनल में प्रॉब्लम आ गई है, तो वही सारे बच्चे पूछ रहे थे कि आंटी आपका जो है चैनल ठीक हुआ कि नहीं। मैंने कहा बेटा नहीं ठीक हुआ, तो क्योंकि वो सभी लोग देखते हैं ना, सभी को अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा नहीं ठीक हुआ, अब ठीक होगा तो देखेंगे। तो वही पूछ रहे थे कि नए चैनल का नाम बता दो, तो मैं वही बता रही थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, सारे बच्चे ना बहुत अच्छे हैं, सभी लोग आपस में खेलते हैं, ना ही झगड़ा करते ना कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे बड़े सब बराबर रहते हैं आपस में, तो यही है। मैं यहाँ पे जो है बैठ गई थी बात, और उसके बाद ये घड़ी जो है मेरी ना पहले बहुत गलत जगह पे लगी हुई थी, बहुत मतलब ऊंची जगह पे लगी हुई थी, और इसके बाद मुझे सेल लगाना हो कुछ करना हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मेरी ये बंद हो गई थी, तो इस वजह से मुझे उसमें किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, तब जाके जो है इसमें मैं सेल चेंज कर सकती हूँ, या टाइम गलत हो गया कुछ हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको। और वैसे ये सही जगह नहीं है, लेकिन मैंने अभी लगा दिया है, फिर देखती हूँ अगर यहाँ सही लगता है तो यहाँ रहने दूंगी, नहीं तो मैं फिर इसको चेंज करूंगी और देखती हूँ कहाँ क्या करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि ये ठीक जगह है। और आज मैंने कुछ नहीं सूट किया था, केवल बस केवल ऐसे मौज मस्ती किया है। और यहाँ पे जो है बर्तन ऐसे पड़े थे मैंने, जो चाय नाश्ता मतलब सब लोग किए थे शाम को, उसके बाद ही छत पे जाते हैं क्योंकि धूप रहती है, तो जब ठंडा मौसम हो जाता है ना तभी जाते हैं, थोड़ी देर के लिए 2 घंटे रहते हैं छत पे, थोड़ी देर के या 2 घंटे कम से कम रहते हैं। और क्योंकि वैसे तो बच्चे रहते हैं लेकिन डर लगा रहता है कहीं बंदर ना काट ले, तो इसलिए मैं भी बैठी रहती हूँ। और क्या करना है, थोड़ा सा हवा भी लग जाता है और मुझे अच्छा भी लगता है, जैसे बाहर खुली हवा में बैठते हैं तो अच्छा भी लगता है, दिन भर उसी पंखे के नीचे रहना ये भी ठीक नहीं है। तो आके वहाँ सारे बर्तन पड़े थे, इसके बाद मैंने जो है बर्तन धुल लिया है। और प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जो लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें गाइस,
क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे खूब ज्यादा प्यार दिया था उस चैनल पे, तो इस चैनल पे भी अपना उसी तरीके से मुझे प्यार दीजिए और सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ बनी रहूं, अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूं। और मेरी जो YT की फैमिली है ना, मैं उसको खोना नहीं चाहती, तो प्लीज आप लोग जो है अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई भी कमी हो वीडियो में तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बोल सकते हो। जो मेरी रियल लाइफ है गाइस, वही मैं शेयर करती हूँ। और ये देखो जो आइसक्रीम आप लोगों को मैंने दिखाई थी ना, मैंने बनाई थी, तो इसके बाद ये जम गई थी। इसके बाद हम लोग जैसे शाम के मौसम में या दोपहर में यही आइसक्रीम खाने का मन भी करता है, सुबह में तो ऐसे हम लोग नहीं खाते हैं, तो क्योंकि हमको तो चलो ठीक है, लेकिन नमन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी अभी हुआ था। और इनका आइसक्रीम फेवरेट है, तो ये मानने वाले में से है नहीं, तो इसलिए हम लोग आए थे जब शाम को, तो मैंने सोचा चलो आइसक्रीम याद आ गया। नमन ने बोला मम्मा आइसक्रीम नहीं निकालोगी, तो वही मैंने आइसक्रीम निकाला है, और बहुत अच्छी सी बनी थी, एकदम जैसे मतलब मार्केट वाला टेस्ट था, नमन को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाएंगे और इसके बाद अब बनाएंगे रात का डिनर। और मिलूंगी आप सभी से मैं एक न्यू ब्लॉग में, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देखो कटोरी लग चुकी है, अब हम लोग खाएंगे। तो चलो आप सभी को मैं बोलती हूँ बाय बाय गाइस, और प्लीज अगर वीडियो जरा सभी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट मी फ्रेंड।